हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्लाईवुड के मंदिर के ऊपर पॉलिश कैसे करते हैं। ये प्लाईवुड का मंदिर है, इसके ऊपर बेनियर नहीं लगा हुआ है, इसके ऊपर हमें ब्राउन कलर की पॉलिश करनी है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेना है हमें पटे वाला रेगमाल 80 नंबर या 100 नंबर का, और इसकी रगड़ाई करनी है अच्छी तरह से। जहाँ पे जोर लगा हुआ हो या टक्कर टुक्कर पे, इसको अच्छी तरह से रगड़ लेना है ताकि ये पूरा बराबर हो जाए इस तरह से। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसको अच्छी तरह से दबा के रगड़ देना है। जितनी बढ़िया आप इसकी कटाई कर लेंगे उतनी बढ़िया इसकी फिनिशिंग आएगी। रेगमल लगाने के बाद में अब हम करेंगे इसके ऊपर पुट्टी। ये चाक मुट्टी की पुट्टी है और इस तरह से सारी जगह पे इसको खींच देंगे एक तरफ से। और पुट्टी को बनाने के लिए हमें फेविकोल चाहिए होगा थोड़ा सा और चाक मिट्टी। ये चाक मिट्टी पाउडर है। ये पानी है। इस तरह से इसको बना लेंगे। फेविकोल डालने से मजबूत हो जाती है थोड़ी सी और जल्दी निकलती भी नहीं है, इसलिए इसमें फेविकोल मिलाना ज़रूरी है। और इस तरह से बना के अप्लाई करना है। उसके बाद में इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। सूखने के बाद में इसके ऊपर रेगमल लगाएंगे हम। दो सौ बीस नंबर का रेगमाल लेना है हमें, या आप 150 नंबर का भी ले सकते हैं। मैं इसमें 220 नंबर यूज करूँगा। और इस तरह से सारी जगह पे इसको लगा देना है ताकि जो एक्स्ट्रा पुट्टी लगी हो वो निकल जाए और ये पूरा बराबर हो जाए। इसको अच्छी तरह से दबा के रगड़ना है। और ये लग गया रेगमाल। इसको साफ कर लेंगे कपड़े से। उसके बाद में हम मारेंगे इसके ऊपर स्प्लिट पॉलिश। ये स्प्लिट पॉलिश है, ये लाकदाना और स्प्लिट को मिक्स कर कर बनाई गई है। अगर आप पॉलिश नहीं बनना चाहते हैं तो आप इस पर डायरेक्ट सैंडिंग सीलर भी मार सकते हैं। तो मैं इसमें पॉलिश का ही प्रयोग करूंगा। इसको कपड़े से छान लेंगे एक डब्बे में। और फिर इस तरह से लगा देना है इसके ऊपर। इसके एक या दो कोट मार लेने हैं पहले। अगर आप सैंडिंग सीलर यूज करते हैं तो उसके भी एक या दो कोट मार सकते हैं पहले इसकी जगह पे। और ये लग गई पॉलिश। इसके ऊपर मैंने एक कोड ही मारा है अभी। अब इसके ऊपर हमें दूसरी बार फिलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार फिलिंग करने से ये पूरा प्रॉपर बराबर नहीं होगा। इसलिए हमें हमने जिस तरह से पहले की थी उस तरह से इसके ऊपर फिर से एक बार कर देंगे ताकि ये पूरा बराबर हो जाए। इस तरह से पूरी प्लाई के ऊपर खींच देना है।
और आप मुझे खबरी पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पुट्टी करने के बाद में जब ये सूख जाएगा तो इसके ऊपर रेक वन लगाएंगे 220 नंबर का। एक मन लगाने के बाद में अब इसकी भराई करनी है। भराई करने के लिए हमें सैंडिंग सीलर और थिनर को मिक्स करना पड़ेगा। 1 लीटर सैंडिंग सीलर में लगभग 200 ग्राम NC थिनर और इसके 4-5 हाथ मारने हैं ताकि इसकी फुल भराई हो जाए। इस तरह से 4-5 हाथ मार देने हैं। और ये लग गया पूरा सैंडिंग सीलर। ये है डीको पेंट, ये ब्राउन कलर का डीको पेंट है, ये मैंने बना के रखा है पहले। इसको पतला करने के लिए इसमें एनसी थिनर मिक्स करना पड़ता है 1 लीटर में लगभग 200 या 300 ग्राम। और इसको गन से या हाथ से दोनों तरीके से मार सकते हैं। अगर आप गन से मारेंगे तो एक हाथ में ही कवर हो जाएगा पूरा, और अगर आप हाथ से मारेंगे तो 4-5 हाथ इस तरह से मारने पड़ेंगे इसके ऊपर। और ये हो गया सिंगल। इसी तरह से इसके ऊपर दूसरा, तीसरा और चौथा और जितने भी कोट मारने हो आपको मार सकते हैं 4-5 मिनट का गैप देके, क्योंकि डीको पेंट है फटाफट सूख जाता है। और ये मैंने मार दिया 4-5 हाथ इसके ऊपर। अब इसके ऊपर आप चाहें तो इसी तरह से ग्लोसी या मैट मार सकते हैं। और अगर आपको इसके ऊपर रेसा बनाना है, वो रेसा किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए हमें चाहिए होगा स्पिरिट पॉलिश और चारकोल वुड स्ट्रेनर। और इस तरह से इसके रेसे बना देने हैं, जैसे भी चाहिए वो आपको, पतले मोटे, उस तरह से इसके ऊपर रेसे बना सकते हैं आप। और ये मैंने बना दिया पूरा रेसा। अब इसके ऊपर अगर आपको टच वुड मारना है, हाथ से मारना है तो टच वुड मार सकते हैं, अगर आपको गन से करना है तो मेलामाइन या प्यू मैट या ग्लोसी कुछ भी मार सकते हैं इसके ऊपर। मैं इसके ऊपर लाइक कर मारने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे हाथ से करना है, साइन भी नहीं करना है और मैट भी नहीं करना है, सेमी मैट में रखना है मुझे। तो मैं इसके ऊपर लाइक करके 3-4 हाथ मार दूंगा तो ये बढ़िया फिनिश हो जाएगा, स्मूथ फिनिश हो जाएगी और चमक भी नहीं आएगी, पूरी सेमी मैट में आएगा ये। और ये हो गया पूरा फिनिश।